अभी हम लोग गुंडार पे हैं, बदमाश रूट के ये गांव है गुंडार। हम लोग राहत लेके यहां पहुंचे हैं लगभग 2:30 बजे खच्चरों के साथ। ये गुंडार गांव आपको दिखाई दे रहा है, कैसे नदी फूटा और कैसे गधेड़ा आया आपको दिखाई दे रहा है सामने में। मलबे और पत्थरों के ढेर से भरा हुआ ये मधमेश्वर गंगा अभी दूसरे किस्म के हो गए हैं। अभी दिखाई दे रहा है होटल कैलाश। रमेश पनवार जी हमारे सामने में हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। रमेश जी, ये जो जून महीने में आपदा हुआ है जी, इस आपदे के समय आपके यहाँ आप क्या देखे थे, क्या हुआ था और गुंडार में क्या हुआ, क्या झेले हैं आपने, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए जी। ये तो रात में जब ये 16 को रात से चला था ना, 15 की रात से, तो रात में तो बहुत भयंकर आवाज आ रही थी, मकान ऐसे हिल रहे थे। बाकी जब सुबह देखा कोई लोग बाहर भी आए, अंधेरे में कहाँ जाना था, सारे लाइट लूट भी गए थे, मोबाइल के टावर भी सारे चले गए थे, इधर उधर कोई संपर्क नहीं हो रहा था। सुबह देखा तो सारे लोग हड़कम करके कुछ इधर भागे, कुछ उधर भागे, कुछ इधर भागे। अब ये हुआ कि बचना है, किसी भी हालत में बचना है। गाय भैंसों को ऐसा ही छोड़ा, बच्चों को लेकर कोई बूढ़ों को लेकर पीठ पे, जैसे बुढ़िया जैसी मेरी माँ है, मैंने उनको भी पीठ पे यहाँ से कहीं दूर पहुँचाया। तो ऐसे करके कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ऐसे ही रहा कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो राशन पानी कैसे आया? राशन पानी भी कहाँ से आना था, तब कभी किसी के पास थोड़ा बहुत पहले का थोड़ा बचा हुआ था, तो वो घर में तो घर तो सभी के बने लगभग थोड़ा बचे थे। उसके बाद तो नीचे से ऊपर से करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा, फिर वहाँ से डाउन जाना पड़ा। ये तो रास्ता सारा टूट गया था, इधर कहीं आने जाने लायक नहीं था, ये तो बंदर भी नहीं जा पाते थे उस रास्ते में। अभी उसके बाद यहाँ रास्ता सही कब हुआ? करीब 1 महीना हुआ इसको अभी। तो 1 महीने तक आपके पास रेशन पानी उतना था कि चला? नहीं नहीं, अभी ऊपर से गए थोड़ा थोड़ा करके ले आते थे, कोई बच्चे भी जाते थे, बूढ़े भी जाते थे, जिसको क्योंकि अब खाना तो था ही था, तो वहाँ से किसी ने थोड़ा हेल्प की होगी, वहाँ बिरोली जोगासू में किसी ने उखीमठ में की राहत वालों ने, तो वहाँ गए, वहाँ से लाए उठा के, ऐसे करके मैंने जीवन यापन किया। हमने अपने परिवार के साथ लास्ट 2010 अक्टूबर में आए थे, तब रमेश जी के इस रूट का क्या हाल था और अभी आज देख रहे हैं बगैर कोई यात्री, बगैर कोई टूरिस्ट यहाँ सुनसान सा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो के शमशान से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ जनजीवन ठप हो गया था, यहाँ उस आफत के बाद मलबे और पत्थरों के ढेर देखते हुए यहाँ के आदमी, यहाँ के मानव जीवन ऊपर चला गया था जंगल, बूढ़ों के कंधे पर चढ़ा के ये लोग ऊपर भाग गए थे, घर उर सब टूट रहा था। और उसके बाद 1 महीने बाद इन लोगों को राशन पानी मिला जगासू से, उत्तर उखीमठ से किसी न किसी ने भेजा। ऊपर ऊपर जाते थे ये लोग नीचे और थोड़ा थोड़ा सामान ले आते थे राशन पानी के लिए। उसके बाद अभी हम गुंडार से आप लोगों के लिए टीम चारुणी की तरफ से दिखते दूध दत्ता।